फोर्थ ईयर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, हम प्रीवियस लेसन जो कंटिन्यू कर रहे हैं उससे हमारा मस्कुलर सिस्टम और इनवर्टिब्रेट्स को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमने पढ़ना है कि लोकोमोशन इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होती है। तो हमने लोकोमोशन के लिहाज से इनवर्टिब्रेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी जो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, उनकी लोकोमोशन यानी कि जिसमें स्केलेटन कोई रोल प्ले नहीं करता, उनको हम कहते हैं कि लोकोमोशन इन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। और दूसरी हमने जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी हमने कैटेगरी अलहदा कर दिया, क्योंकि उसके अंदर लोकोमोशन में जो उनका स्केलेटन है वो बहुत रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जो सॉफ्ट बॉडीड में लोकोमोशन है उनको हमने फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पैडल लोकोमोशन है, पेरिस्टाल्टिक मोशन है, नंबर थ्री लूपिंग मूवमेंट है, नंबर फोर जो है मूवमेंट बाय पैरापोडिया है, और नंबर फाइव जो है वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एंडो एकिनोडर्म्स। पहले अभी हम इस वक्त जो है ना तीन को पढ़ेंगे, फिर बाकी दो को हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि पैडल लोकोमोशन किस में होती है, किस में नज़र आती है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो ऑब्जर्व होती है इनवर्टिब्रेट जो प्लेनेरिया है और स्नेल में, जो लैंड स्नेल है स्नेल में वो ये नज़र आती है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप ये जो हम ह्यूमंस की लोकोमोशन होती है उसमें जब हम एक फुट उठा के नीचे रखते हैं ना, तो उससे फोर्स जो है हमारी जो है उस पर अर्थ के ऊपर लगती है, ज़मीन पे हमारे सब सेट पे जिस पे भी हम चलते हैं, और फिर वो रिएक्शन के तौर पे हमारे फोर्स अप्लाई करती है, तो जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट आगे होती है। ठीक है, ऐसे ही है ना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा कि जब हम फुट रखते हैं तो एक्शन होता है और उसकी रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगती है जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है, तो उसको पैडल लोकोमोशन, पैडल्स होते हैं। ठीक है, हमारे जो फुट है वो एज ए पैडल के तौर पर एक्ट करें, तो इसमें भी यही जो है एक प्रिंसिपल जो है मूवमेंट के लिए यही है। तो बेशक बाकायदा उतना पैडल्स नहीं भी हैं जैसे फुट हैं, लेकिन क्योंकि जो बॉडी है वो फोर्स अप्लाई करती है ऑन द सब्सट्रेट, जिसके जवाब सब्सट्रेट जो है रिएक्शन करता है और एनिमल की बॉडी आगे को मूव करती है, इस वजह से इनको हम पैडल लोकोमोशन कहते हैं। ये किस में है, प्लेटफॉर्म्स में नज़र आती है, नाइडेरियंस में भी, कुछ गैस्ट्रोपोड्स में भी ये मूवमेंट नज़र आती है। इसमें होता क्या है कि मस्कुलर जो सिस्टम है ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और वो वेव्स जो हैं वो फोर्स अप्लाई करती है किसके ऊपर, सबसेट के ऊपर। तो ये कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि और सिर्फ किसके ऊपर मूव कर देते हैं, अगर उनके पास एक फर्म या सॉलिड सबसेट है जिसके ऊपर वो मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे स्नेल जो है लीफ के ऊपर मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेन एरिया भी किसी सबसेट के ऊपर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इनके मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, सबसेट चाहिए होती है। तो इस मोशन को हम लोकोमोशन को क्या कहते हैं, पैडल लोकोमोशन। ये जो है नज़र आती है अगर प्लेन एरिया की अंडर सर्फिस, यानी कि अगर हम उसके ऊपर एक ग्लास प्लेट पे उसको रख दें प्लेन एरिया को और किसी भी स्नेल को, तो ग्लास प्लेट के अगर नीचे से हम देखें तो ये इसकी मूवमेंट जो है नज़र आ रही होती है मसल्स की, जिसकी वजह से ये डिस्कवरी हुई है कि ये पैडल लोकोमोशन है। और जो है ज़्यादा प्रोफाउंड किस में ऑब्जर्व हुई है आज तक, ये मूवमेंट जो है लैंड स्नेल हेलिक्स में। ठीक है, इसमें उनका एक फुट होता है, मस्कुलर फुट होता है, आप लोगों ने उसके बारे में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इनवर्टिब्रेट का जब आपने कोर्स पढ़ा है थर्ड ईयर में, तो वो जो होता है ना पैडल, ठीक है, या जो उसका फुट होता है उसके अंदर जो है ना वेव्स प्रोड्यूस होती हैं मसल्स के अंदर, और वो बार बार रिपीटेडली वेव आती हैं, तो इसकी वजह से जो है वो फोर्स लगाते हैं सबसेट पे और सबसेट उसको धक्का देके आगे मूव कर देते हैं, और ये जो होती है ये उसकी जो है ना लोकोमोशन ऑफ द स्नेल ग्रेटर रेट पे होती है बनिस्बत किसके, प्लेन एरिया के नस्बत। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है पेरिस्टाल्टिक मोशन। पेरिस्टाल्टिक मोशन हम उस वक्त कहते हैं जब अल्टरनेटिंग वेव्स आती हैं किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल में, यानी कि एक दो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो इसको हम कहते हैं कि अल्टरनेटिंग वेव ऑफ आ रही है, सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किसमें, सर्कुलर है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में। ये भी किसमें होती है, फ्लैटफॉर्म्स में नज़र आती है, लेकिन किन में, जो लार्जर प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है पैरास्टाल्टिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर, यानी कि इकट्ठी बॉडी के अंदर सारी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके जो है ना मतलब वेव्स की सूरत में इस तरह अपियरेंस, यूं समझ लें कि वेव्स की तरह अपियरेंस होती है इसकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की,
देखिए, इसी डेज को हम पेरिस्टाल्टिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। और ये ज्यादा जो है ना, मतलब जो है नेमाटीन्स और जो प्लेटफॉर्म्स है उनमें सिलिया भी मौजूद है, सरफेस सिलिया भी, उनके साथ साथ ये भी लोकोमोशन प्रोवाइड करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसीलिए हमने उसमें पढ़ा था कि ये सिलियरी क्रीपिंग कहलाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड है ये किसमें, सेप्टेट सिलोमेट ऑर्गेन वर्म्स में, यानी कि जो के अर्थ वर्म है ओलिगोशीटी, उसमें ये सबसे ज्यादा नजर आती है ये मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। या मैंने आपको एक डायग्राम सी बनाई हुई है, ठीक है। इसमें जो है उसके मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो ये हिस्सा है, यानी कि इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट से जरा पहले, ठीक है। तो फर्स्ट जब अगर उसने आगे को फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है एनिमल ने, पैरासाइटिक मूवमेंट उसने जो करनी है, उसमें सबसे पहले जो है ये जो उसका मैंने बनाया हुआ हिस्सा, इसमें इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स क्या है, जो कि लेंथ वाइज बॉडी में होते हैं, ठीक है। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब एक ऑर्गेनिज्म की लेंथ कम हो रही है, लेकिन उसके अंदर सिलोम एक वाटर है, वो जो चीज कहीं नहीं जा सकती ना, तो उसका असर क्या पड़ता है, उसका असर ये पड़ता है कि जो उसके सर्कुलर मसल्स होते हैं, यू ये सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब सर्कुलर मसल रिलैक्स होते हैं, तो जितना कंपार्टमेंट जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो वाइड हो जाता है, चौड़ा, यू लेंथ वाइज कम हो जाता है और विड्थ वाइज चौड़ा हो जाता है। इसको हम कहते हैं कि ये बल्जिंग हो जाता है, यानी कि उसमें नजर आ रहा होता है, इसका जो है वो इसका डायमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो सर्कुलर मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो कंपार्टमेंट है वो बल्जिंग यानी कि विड्थ उसकी ज्यादा हो जाती है। जब ये होता है तो अगला क्या होता है, अगली वेव जो है इससे जो ये कंपार्टमेंट है, जो बल्जिंग कंपार्टमेंट है, उससे जो फ्रंट के ऊपर सेगमेंट्स हैं उनके जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब उनकी सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो थिन हो जाएगा। अब जब थिन होगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, सिलोम तो उसके अंदर मौजूद है, उसकी वजह से उसके लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो ये जो पोर्शन है ये कैसा हो जाता है, ये लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग वेव हो गई, लॉन्गिट्यूडनल मसल जब ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इससे अगले वाले ने सर्कुलर मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया अल्टरनेटिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि अब जब ये काम यहाँ पे, इससे जो पीछे है इनके अंदर वेव जाएगी, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, अब इसके बाद जो है पीछे वाले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो है इससे जो है वो इसके ऊपर धक्का पड़ता है, और इसकी वजह से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इस तरह वेव जाती जाती यहाँ तक पहुँचेगी, और ये सब जो है जितनी देर में अगले वाले हिस्से जो है उनमें रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाती है, और जो है ऑर्गेनिज्म आगे को मूव करता है। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जिनके अंदर भी ये होती है पेरिस्टाल्टिक मोशन, ये इसी तरह मूव करते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑब्वियस नज़र किसमें आती है, जो सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं उनके अंदर ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आती है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लूपिंग मूवमेंट।